हरियाणा प्रदेश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक खेती पर निर्भर करती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार किसानों का भरपूर ख्याल रख रही है और सूबे में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाओं को चला रही है, जिसके तहत किसानों को सब्सिडी भी दी जाती है और जिससे किसानों की लागत आधी से भी कम हो जाती है। तो वहीं सूबे का किसान धीरे धीरे परंपरागत खेती को त्याग कर नई तकनीकों की ओर अग्रसर हो रहा है, जो किसानों के लिए काफी फायदे का सौदा साबित हो रहा है, जिससे किसानों की आर्थिक उन्नति भी हो रही है। ऐसे ही टोहाना के एक प्रगतिशील किसान हाकम सिंह और उनके बेटे जगजीवन और सुखजीवन अपने खेतों में परंपरागत खेती छोड़कर तरबूज, खरबूज, स्ट्रॉबेरी और मशरूम की खेती कर काफी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। टोहाना के गांव रथाथे में जगजीवन और सुखजीवन मल्च शीट का इस्तेमाल कर तरबूज, खरबूज, स्ट्रॉबेरी और मशरूम की खेती कर रहे हैं। हकम सिंह के बेटे जगजीवन और उनके भाई करीब 28 एकड़ जमीन पर खेती कर रहे हैं। उन्होंने अपनी परंपरागत खेती को छोड़कर अपनी 28 एकड़ जमीन में कुल 14 एकड़ में खरबूज की खेती कर रहे हैं और 12 एकड़ में तरबूज, तो वहीं एक एक एकड़ में स्ट्रॉबेरी और मशरूम की खेती कर रहे हैं, जिसमें उन्हें काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। प्रगतिशील किसान सुखजीवन सिंह ने बताया कि साल 2015 से उन्होंने तरबूज, खरबूज की खेती करना शुरू किया था और इस खेती में परंपरागत खेती से ज्यादा मुनाफा है। उन्होंने बताया कि तरबूज, खरबूज और स्ट्रॉबेरी की खेती करने में एक एकड़ जमीन पर करीब 1 से 1.5 लाख रुपए तक का खर्च आता है, जिसमें 1 लाख रुपए से ज्यादा तक का मुनाफा उन्हें होता है। खेती मैं 2015 से शुरू की है। तो इसमें कितना मुनाफा हो जाता है आपको? इसमें ऐसे है जी, जैसे जो अपनी दूसरी फसल हो रही है, जो उसको क्या कहते हैं रेगुलरी परंपरागत होगी, उसको उससे एक्स्ट्रा है, उससे सही है, मेरे को अच्छा लग रहा है। तो कितने एकड़ में आप खेती कर रहे हैं और एकड़ में कितनी लागत और कितना मुनाफा हो जाता है? हाँ जी, ये मैं लगभग 28-30 एकड़ में खेती कर रहा हूँ। ठीक है जी, इसमें 1.5 लाख रुपए पर एकड़ इसमें खर्चा आ जाता है और इसकी जो बचत की बात है वो ज़्यादातर मंडी के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब इसमें हो सकता है मंडी का भाव अच्छा रह जाए तो 1 लाख से ऊपर भी रह जाएगा और 1 लाख के समथिंग भी रह जाएगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले प्याज, खीरा, शिमला मिर्च की खेती करने के बाद तरबूज और खरबूजे की खेती करना शुरू किया और अब उन्होंने इसको बढ़ाते हुए एक एक एकड़ में स्ट्रॉबेरी और मशरूम की खेती करना भी शुरू कर दिया है। तो किस किस तरह की खेती आपने करनी शुरू की है इसके अंदर, परंपरागत खेती छोड़ के क्या क्या उगा रहे हैं आप यहाँ? हाँ जी, मैं यदि शुरुआत मैंने इसकी शुरुआत प्याज और खीरा, शिमला मिर्च, कद्दू और इसमें खरबूजा, इसे शुरुआत की है। तो इन्नी फसलां तुसी उगा लेंदे हो, इत्थे एटमॉस्फेयर मैच करता है इत्थे दा? हाँ जी, ये सभी फसलें मैं यहाँ पर उगा लेता हूँ और सभी अच्छी होती हैं, सभी कोई किसी में कोई दिक्कत नहीं है। प्रगतिशील किसान सुखजीवन ने बताया कि वो बचपन से अपने पिताजी को खेती करते हुए देखते थे, जिसके बाद उनकी खेती के प्रति रुचि बढ़ गई और हरियाणा सरकार की तरफ से उन्हें खेती करने में काफी मदद भी मिली है और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने उन्हें काफी मदद की और सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उन्हें मिला और इसके लिए उन्हें जागरूक भी किया गया। तो बागवानी को लेकर जो आपने शुरुआत की होगी सारी, तो इसको आपको किसने बताया इसके बारे में और कैसे आप इसका लाभ उठा पा रहे हैं? हाँ जी, इसकी जो शुरुआत है वो मेरे बचपन से है, छोटे होते हुए। अच्छा। स्कूल से जब मेरे को टीचर पूछते थे कि आप क्या बनोगे, तो मैं पहले बोलता कि फार्मर। तो इसमें मेरी रुचि थी कि मैं कुछ डिफरेंट करूं, तो इसे धीरे धीरे मैं चेंज की। तो आप करने के लिए कोई सरकार की तरफ से सहयोग मिला हो? हाँ जी, मतलब जो फर्स्ट ईयर में तो मैंने कॉन्टेक्ट नहीं किया किसी से
और सेकंड ईयर मेरे पास अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से अधिकारी पहुंचे, तो उनसे मेरे को अच्छा सहयोग मिला, जो भी उस टाइम कोई स्कीम थी उसका मेरे को लाभ मिला। सुखजीवन सिंह ने बताया कि खेती के बारे में उन्हें हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के जरिए जानकारी मिली। उनके पिताजी ने भी सहयोग किया। उन्होंने कहा कि वो अपनी फसलों को हरियाणा की मंडियों में बेचने के साथ साथ अन्य राज्यों की मंडियों में भी बेच रहे हैं, जिससे उन्हें काफी मुनाफा हो रहा है। खेती से मैं शुरू से जुड़ा हूँ मेरे फादर के साथ, तो इसके बारे में मेरे को वैसे ही नॉलेज थी। तो आप अपनी फसल बेचते कहाँ हैं और बाजार में कितना मुनाफा मिल जाता है आपको? हाँ जी, ये जो मेरी फसल है वो सारी मैं लोकल मार्केट होगी टोहाना, रतिया, फतेहाबाद, पटियाला, लुधियाना और पठानकोट तक मेरी जाती है फसल। तो फसल का दाम सही मिल जाता है आपको? वो जी मार्केट पे ही डिपेंड है, मतलब ऐसे है कोई वैसे तो सही रहता है, किसी साल 2-3 साल तो कोरोना ने परेशान किए और उसके बाद जैसे एक ही फसल थोड़ा ज़्यादा लग जाए तो मंडी में जाता तो उसका भाव डाउन आ जाता है, ये कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो प्रॉफिट मिल रहा है इसीलिए दोबारा भी लगा रहे हो या मन करता है कि पहले वाली फसल बोएं? हाँ जी, प्रॉफिट भी मिल रहा है लेकिन इसमें ऐसे है मैं अकेला इसमें प्रॉफिट नहीं देख रहा, क्योंकि इसमें हर साल मैं कुछ आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी नॉलेज बढ़ रही है, जैसे मैं इसमें क्वालिटी भी बढ़ाऊँगा और इसमें अपनी यील्ड भी बढ़ाऊँगा तो मेरे को मतलब भाव ऐसा कम रह जाए, मेरी यील्ड बढ़ गई, क्वालिटी बढ़ गई तो मैं ऑटोमेटिकली इसमें। सुखजीवन सिंह ने अपने भाई के साथ परंपरागत खेती को छोड़कर तरबूज और खरबूजे की खेती तो कर रहे हैं, तो इसी के साथ अन्य गांव के किसानों को भी ये खेती करने के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं, ताकि अन्य किसान भी उनकी तरह ही सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठा सके और उनकी भी आमदनी दुगनी हो सके। पास के और किसान हैं अलग तरह से खेती कर रहे हैं, आप एक प्रगतिशील किसान की श्रेणी में आ गए हो, जैसे आमतौर पर लोग गेहूं और जीरी बोते रहते हैं, तो आप और किसानों को भी प्रेरणा देते हो, पूछने आते हैं लोग आपसे, उनको क्या संदेश? हाँ जी सर, जो भी फार्मर मेरे पास आता है तो मैं उसको बोलता हूँ आप ये खेती करो, लेकिन एक बात शुरुआत बिल्कुल थोड़े से करो, कम से करो, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको फर्स्ट ईयर मतलब में ही लॉस हो जाए तो आप कभी भी इस साइड में नहीं जा सकोगे, तो एक बार छोटे लेवल से शुरुआत करो तो बढ़िया होगा। प्रगतिशील किसान सुखजीवन सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका राज्य के किसानों को लाभ भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से मल्च शीट पर सब्सिडी देने के साथ साथ अन्य फसल की खेती करने वालों को भी सब्सिडी दी जा रही है, जिससे किसानों को खेती करने में काफी आर्थिक सहायता मिलती है। तो सरकार की ऐसी भी कोई योजना है जिसका लाभ आपको मिला है? हाँ जी, मतलब सरकार की जो योजना है ना उसमें मल्चिंग सीट पर सब्सिडी है और टनल पर सब्सिडी है, लेकिन ये 3 साल में एक बार मिलती है, ठीक है नहीं, ये मेरे को पहले मिल चुकी है, पिछले साल में नहीं मिली, इस बार भी मतलब ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसे। सुखजीवन सिंह ने बताया कि बागवानी से किसानों की आय दुगनी हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस खेती के लिए वो ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं और पिछले 2 सालों से उन्होंने पराली को आग नहीं लगाई है और उस पराली का उपयोग खेती के इस्तेमाल में कर रहे हैं। तो ये जो गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है कि किसान की आय दुगनी करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये काम लेके चल रही है, सरकार भी, तो इसका लाभ आपको लगता है कि बागवानी के तरीके से मिल जाएगा लोगों को? हाँ जी, आय दुगनी हो सकती है, बिल्कुल होगी, लेकिन ऐसे होगी कि हमारे को जो माल हमारा वो एक्सपोर्ट हो, तो एक्सपोर्ट से हमारी आय दुगनी हो सकती है, वैसे नहीं, क्योंकि यदि जैसे अब 5 फार्मर लगा रहे हैं, यदि ये इसमें हॉर्टिकल्चर में पागे ना तो आय दुगनी नहीं हो सकती, क्योंकि वो सारा माल मार्केट में रुक जाएगा, तो क्योंकि इसका खपत चाहिए, विदेश में माल जाना चाहिए। अच्छा, आप अपने खेतों में किस तरह की खाद का इस्तेमाल कर रहे हो और इसका फ़ायदा किसका फ़ायदा ठीक मानते हो, केमिकल वाली या ऑर्गेनिक? नहीं, ऑर्गेनिक ज़्यादा बेटर है, मेरे खेत में मैंने 8 साल से कभी कोई जहर नहीं दिया ज़मीन में,
उसमें जो मेरे मित्र कीट हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो जिंदा हैं, उससे मेरे को हेल्प मिलती है। और 2 साल से मैंने अपने खेत में बिल्कुल भी आग नहीं लगाई, जो धान का वेस्ट है वो टोटली मेरे खेत में मिक्स होता है, जिससे मेरे को कार्बन वगैरह और एक्स्ट्रा मिनरल मिलेंगे। प्रगतिशील किसान सुखजीवन सिंह ने कहा कि परंपरागत खेती को छोड़कर इस तरह की खेती करने को लेकर उन्हें हरियाणा सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया गया है। उन्होंने बताया कि घरौंडा में आयोजित किसान मेले में उन्हें कृषि विभाग की तरफ से सम्मानित किया गया था। तो इसी के साथ उनके भाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। तो सरकार ने कभी आपको इसके लिए कोई पुरस्कार भी दिया है आपके परिवार को, ये जो आप खेती कर रहे हैं इस तरह की? हाँ जी सर, इसमें मेरे को पुरस्कार मिला है, घरौंडा मेला में मिला हुआ था, वहाँ पर पुरस्कार मिला है। और इस बार मेरे छोटे भाई को अपना हिसार कृषि यूनिवर्सिटी में जो मिला था ना, उसमें भी पुरस्कार मिला है। और इसके अलावा हम छोटे भाई को अपना उसमें उपराष्ट्रपति ने खाने पर बुलाया, मतलब खाने पे बुलाया, खाने पे बुलाया जी, बहुत अच्छा लगा। वो हरियाणा के किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हरियाणा सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उद्देश्य है कि हरियाणा का किसान खुशहाल बने, प्रगतिशील बने, और यही वजह है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में सूबे का कृषि विभाग नए नए प्रयास कर रहा है, जिसकी बदौलत पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़ा किसान भी प्रगति कर रहा है।